मैं प्रिया आपके साथ। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। उधर तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस ने नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की तारीख पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है, ऐसे में इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। 862 करोड़ रुपए में बने नए संसद भवन का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 28 महीने में बनाया गया। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है, यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं, इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीस के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेगी उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है, इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।